एक्सरसाइज नंबर 4.10 क्वेश्चन नंबर 14 अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 14 इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45 फाइंड द नंबर। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के। सपोज टेंस डिजिट इक्वल्स टू एक्स एंड यूनिट डिजिट इक्वल्स टू वाई द नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब अगर हम इंटरचेंज करें इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। अब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इक्वल्स टू एक्स वाई बाय द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल है 14 के विच इज इक्वेशन नंबर 1 10y प्लस एक्स माइनस 45 इक्वल आएगा 10x प्लस वाई के। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स माइनस 45 इक्वल्स टू 0 9x माइनस 9y प्लस 45 इक्वल्स टू 0 प्लस का 45 कैसे बना हमारे पास, ये तो माइनस का 45 था ना। जब हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके गए थे ना तो साइन चेंज हो गए थे, तो इसे ऊपर वाले स्टेप में भी 45 के साथ प्लस था तो नीचे भी 45 के साथ प्लस ही रहेगा। 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 5 के विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 x y की जगह पे आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 14 x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 फैक्टर्स बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 x कॉमन निकालें x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 x प्लस 7 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 which implies either x plus 7 equals to 0 or x minus 2 equals to 0. x equal आ गया minus 7 के जिसको हम neglect कर देंगे और x equal आ गया 2 के। अब put x equals to 2 in equation 2, y equals to 2 plus 5 equals to 7. tenth digit जिसको हमने let किया था x के equal वो क्या आया 2 और unit digit जो के y था वो equal आया 7. तो required number equals to 2, 7. अब अगर इन दोनों को product लें तो 2, 7 are 14 बनता है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।